नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार अपने पुराने ऑप्टिकल ड्राइव में से CD रोम या DVD रोम में से कई सारी विभिन्न काम की चीजें निकालकर रीयूज कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीजों को निकाल कर हम यूज कर सकते हैं कई प्रकार के साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार के सर्किट्स और मैकेनिज्म बनाने के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस CD रोम को हम किस प्रकार ओपन करेंगे और इसके अंदर से काम की चीज़ें निकालेंगे। तो हम सबसे पहले जो है जो स्क्रू है, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अनस्क्रू करेंगे। और मैंने दो स्क्रू तो अनस्क्रू कर दिए हैं और यहाँ पर ये तीसरा स्क्रू मैंने खोल दिया है और चौथा स्क्रू ये खुलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मेटल की शीट है, एक मेटल की ट्रे है जो निकल के आई है और इसका यूज़ हम कर सकते हैं बेस के लिए है, ताकि इसे बेस बनाकर इसके ऊपर हम कोई साइंस प्रोजेक्ट बना सकते हैं या कोई मॉडल बना सकते हैं। आइए चलते हैं इसके नीचे। दोस्तों, ये आगे का मैकेनिज्म खोलने के लिए हम एक पिन लेंगे और एक पिन को लेकर हम यहाँ पर नीचे आपको एक होल दिखाई देता है DVD रोम में। इस होल में इस पिन को लेकर पूरे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। दोस्तों, ये होल इसलिए होता है ताकि अगर कभी लाइट्स चली जाए तो भी हम कंप्यूटर में से हमारी जो है CD निकाल सके। तो इस पिन को अंदर दबाने से ट्रे थोड़ी सी बाहर आती है और फिर इस ट्रे को हम खींच के बाहर निकालेंगे और यहाँ पर ये जो लॉक है इनको इस प्रकार से ओपन करेंगे। अगर पिन का यूज नहीं करेंगे तो इस मैकेनिज्म को खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पिन दबाकर हमने ट्रे को बाहर निकाला और इस प्रकार ये लॉक को दबाकर ये आगे का जो सामने का पैनल है ये हमने खोल दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैकेनिज्म जो है निकल चुका है और यहाँ ऊपर की तरफ जो ये लॉक है इसे हम अनलॉक करेंगे। दोस्तों, ये पुराना वर्जन है ऑप्टिकल ड्राइव का जिसके अंदर ये ऊपर का लॉक था। अभी जो नए वर्जन है इसके अंदर ये ऊपर का लॉक नहीं होगा, ये इजीली रिमूव हो जाएगा ऊपर का कवर। तो इसे हम यहाँ से इस तरह से प्रेस करके निकाल लेते हैं और ये हम देखेंगे कि ये ऊपर का जो मेटल का शीट है, मेटल का बॉक्स, ये बाहर आ गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है एक ट्रॉली जैसा। अगर हम कोई व्हीकल बना रहे हैं, कोई डंपर वगैरह या कोई ट्रेलर बना रहे हैं तो ये उसका जो है ट्रॉली बन सकता है जिसमें हम कोई भी सामान भर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आगे बताता हूँ इस ट्रॉली को कैसे हम काम में लेंगे। तो ये हमने लिया अब ऑप्टिकल ड्राइव और देखते हैं इसका क्या क्या किया। दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम इस मैकेनिज्म का क्या यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रे है अंदर और बाहर एक मोटर की मदद से की जा सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई साइंस प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको रिमोट कंट्रोल डोर बनाना हो तो वो आप इस ट्रे की मदद से बना सकते हैं। रिमोट से मोटर को कैसे ऑपरेट करना है ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में दिखा रखा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वापस देख सकते हैं। तो अगर रिमोट से इस मोटर को ऑपरेट किया जाए तो एक रिमोट कंट्रोल डोर हम बना सकते हैं, गैरेज का डोर हम बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो मोटर है इसमें लगे हुए गियर असेंबली है, इस गियर असेंबली को यूज करके हम किसी व्हीकल में लगा सकते हैं, हमारा टॉय कार बना सकते हैं या रोबोट कार्ट अगर हमें बनानी है तो उसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मोटर देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा RPM वाली मोटर है, इसका यूज करके हम ड्रोन बना सकते हैं अगर हम हैक करके इसे चलाना सीख जाए। यहाँ पर जो ये छोटी मोटर आपको दिखाई दे रही है ये काम आती है इस असेंबली को स्लाइड करने के लिए। दोस्तों, कोई भी ऐसा साइंस प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमें सिंपल एडजस्टमेंट करके कुछ मूव करना हो तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई प्रोजेक्टर बना रहे हैं और उसमें जो लेंस होता है उस लेंस को अगर हमें एडजस्ट करना है तो उसके लिए हम ये पूरा मैकेनिज्म लगा सकते हैं। इस मैकेनिज्म पे आप पूरा लेंस लगा लीजिए तो इसे हम इजीली स्लाइड करके और इसका यूज कर पाएंगे हम साइंस प्रोजेक्ट्स में। या अगर हम माइक्रोस्कोप बनाएं तो उसमें भी हम इसी मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये ट्रे अंदर और बाहर हो रही है मोटर का यूज करके, तो दोस्तों आपको अभी मैं एक आइडिया देता हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग। ये देखिए, फिर से बताता हूँ। तो इस तरह से एक वॉकिंग रोबोट आप बना सकते हैं इस मैकेनिज्म का यूज करके। मैं अपने आने वाले वीडियोज में आपको कोई ना कोई अच्छा सा मैकेनिज्म बना के बताऊंगा इस पुराने DVD रोम को यूज करके। तो देखा हमने अभी तक कितने सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें से निकाल ली है और कई सारे आइडियाज़ मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिए हैं।
आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे क्या है। दोस्तों आइए हम देखते हैं किस प्रकार हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये आगे वाला छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है इसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये स्क्रू है, इसे मैं अनस्क्रू करूंगा और इसको निकालने के स्क्रू को खोलने के बाद हम इसको यहाँ से निकालते हैं। तो इस छोटी वाली किट के नीचे आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इस मोटर का कनेक्टर है। तो मोटर को तो हम डेफिनेटली यूज़ कर ही लेंगे, पर इसका कनेक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। जहाँ हमें मोटर को निकालने की ज़रूरत पड़े बार बार, तो वहाँ हम इसको शोल्ड करने के बजाय इस तरह से कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्टर भी बहुत काम आ सकता है आपके। और आगे आप देखिए ये जो देख रहे हैं आप बटन, ये एक जॉयस्टिक की तरह है और जॉयस्टिक का ही काम करेगा। इसमें आप नीचे देख सकते हैं 5 कॉन्टैक्ट्स है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी मोटर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन देने के लिए। ये कंट्रोल करेगा, पोलैरिटी चेंज कर सकता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं ये एक एलईडी है और एलईडी एक असेंबली के अंदर लगी हुई है। इसको अच्छी तरह से आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये एक वॉल्यूम स्विच है, एक वेरिएबल रेसिस्टर है। इसका यूज करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है या एलईडी की ब्राइटनेस, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ब्राइटनेस कम या ज्यादा करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ये 3.5 mm का जैक है। अगर आप ऑडियो रिलेटेड कोई सर्किट बना रहे हैं तो वहाँ पे 3.5 mm का जैक लगा सकते हैं, कोई भी ईयरफोन वगैरह लगाने के लिए या हेडफोन लगाने के लिए। आइए देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं इसके साथ। दोस्तों आगे का इलेक्ट्रॉनिक्स हम खोलते हैं। यहाँ पर हमें दो लॉक दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लॉक को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली और इसको किट को ऊपर उठाएंगे तो ये पूरा निकल आएगा मैकेनिज्म। हमने इसको अब यहाँ से उठा लिया है और अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। एक और ये फ्लैप कनेक्टर है, थोड़ा इसको भी खोल के हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कर लेते हैं। और इसको मैं यहाँ से मूव करके ये फ्लैप निकाल लिया। दोस्तों ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी अलग अलग आपको जो है कनेक्टर्स मिलते हैं। अगर आप ये कनेक्टर्स यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर तो सकते हैं, पर ये काफ़ी चिप लेवल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बताई दी हैं आपको मैक्सिमम चीज़ें, लेकिन एक और चीज़ ये टच स्विच है। इसको आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये कनेक्टर है, मैंने बताई दिया है कैसा यूज़ करना है उसको मोटर के साथ। और इसके अलावा भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये तो पावर एलईडी है, किसी भी जगह पे आप पावर एलईडी या इसको ब्लिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टिक का यूज़ मैंने बताया है, और आप इसको सेंसर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अगर ऑटोमेटिक डोर बनाया है तो ऑटोमेटिक डोर को सेंस करने के लिए कि क्लोज हो गया, उसका यूज़ किया सकता है। ये वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए बना सकता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। ये एक हाई क्वालिटी का वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3.9 mm का जैक है। अगर आप ऑडियो संबंधित कुछ भी बना रहे हैं, जहाँ पे ऑडियो केबल लगानी होगी, ऑक्सिलरी केबल कनेक्ट करनी है, तो वो कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस मैकेनिज्म की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमें कई सारी उपयोगी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले ये 3 स्क्रू जो है इन्हें अनस्क्रू करते हैं और देखते हैं हमें नया आइटम क्या मिलता है। तो हम इसको अनस्क्रू करेंगे और ये नहीं हो रहा है, तो हम छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे, क्योंकि ये स्क्रू के हेड बहुत छोटे हैं। तो एक स्क्रू ड्राइवर हमने छोटा वाला लिया। ये एक फोर हेड चाहिएगा, यहाँ पर फोर हेड स्क्रू ड्राइवर है, छोटा वाला अलाइनर। और यहाँ पर मैं इन स्क्रू को खोल रहा हूँ आपके लिए। और इनको खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें एक मोटर प्राप्त हुई है। दोस्तों ये एक 3-phase मोटर है और डेफिनेटली DC मोटर है। इसको हम डायरेक्ट सप्लाई देकर नहीं चला सकते, इसको चलाने के लिए एक अलग ही मैकेनिज्म चाहिए। और ये जो मोटर है बहुत ज़्यादा RPM की मोटर है। मैंने बताया था आपको कि हम इसका यूज़ करके ड्रोन बना सकते हैं, अगर हम किसी प्रकार हैक करके इस मोटर को चलाना सीख लें, जो कि काफ़ी मुश्किल रहेगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और मोटर है जो यहाँ इस असेंबली में लगी हुई है, और इसके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर है इस मोटर का। ये एक 2-phase मोटर है और इसे भी ऑपरेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसे भी हम हैक करके चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस असेंबली से जुड़ी हुई है, जो पूरी असेंबली जो है स्लाइड करके इधर से इधर मूव करती है। तो इसका यूज़ भी हम कई सारे साइंस प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये असेंबली जो है पूरी की पूरी निकालेंगे यहाँ से।
और इसे निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें जरूरत रहेगी इसे अनस्क्रू करने की। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे खोल सकते हैं। हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इन्हें हम अनस्क्रू करेंगे। हम इस पूरी असेंबली को ही निकाल सकते हैं और इसका रीयूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ बीच में एक लेंस लगा हुआ है, उस लेंस के नीचे आप जानते हैं कि लेजर डायोड होता है, तो उस लेजर डायोड का यूज करके भी हम कोई पॉइंटर वगैरह बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो 2 स्क्रू हमने खोल लिए, 2 स्क्रू और मुझे ये खोलने हैं, तो यहाँ पर हम इसे खोल लेते हैं। इस पूरी असेंबली का हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं इसको पूरा। अगर आपके पास हो DVD ड्राइव पुराना, तो आप उसकी पूरी असेंबली को डैमेज ना करें और पूरी असेंबली इस प्रकार से निकाल लें, क्योंकि आप इससे बहुत ही क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो असेंबली है इस तरह से स्लाइड होती है। अगर हमें कहीं पे कोई ट्रॉली लगानी है जो एक तरफ से सामान लेकर दूसरी तरफ से ड्रॉप करेगी, तो आप वो ट्रॉली पूरी इस पे लगा दीजिए, आराम से मोशन देकर इधर से इधर ड्रॉप कर देगी। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई लेंस लगा सकते हैं, जैसे कि आप माइक्रोस्कोप बना रहे हैं तो उसका लेंस आप इस पे लगा सकते हैं, तो ये स्लाइड होकर ऊपर और नीचे जो है लेंस को सेट कर सकता है। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं रबर के वाइसर जो लगे हुए हैं, ये भी बहुत काम के हैं, ये इस असेंबली को शॉक प्रूफ बनाते हैं, तो और ग्रिप भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कोई बेस बना रहे हैं तो उस बेस में नीचे ये लगा लीजिए, तो ये थोड़ा सा इसका ग्रिप अच्छा रहेगा तो बेस फिसलेगा नहीं। इसके अलावा ये शॉक प्रूफ तो करते ही हैं। अगर आप किसी मोटर का कोई मैकेनिज्म है जो वाइब्रेट करता है, तो आप उसमें ये लगा दीजिए तो ये वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा। तो इस तरह से ये बहुत ही काम की चीजें हैं इसके अंदर। और अब हम देखते हैं ये जो चेसी बचा है इसका क्या यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको देखते ही दिमाग में कई सारे आइडियाज आते हैं, इसका कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑटोमेटिक रिमूव। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस असेंबली का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम इसका एक वॉकिंग रोबोट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका यूज करके हम ऐसा एक व्हीकल बना सकते हैं जो अपनी लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है जरूरत के अनुसार। जैसे कि कोई ऐसा ट्रक बना दें जो कि सामान ज्यादा हो तो अपनी लेंथ लंबा कर ले और छोटा कर ले। हम इससे ऑटोमेटिक डोर भी बना सकते हैं, किसी गैरेज का शटर बना सकते हैं जो कि रिमोट से ओपन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसमें मोटर लगा हुआ है। और हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एक मोटर मैकेनिज्म लगा हुआ है और इस मोटर मैकेनिज्म का भी आप कई जगह यूज कर सकते हैं। ये है DC मोटर और बहुत ही कम वोल्ट पर ये चलती है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रे को हम निकालेंगे और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक लॉक है, उस लॉक को दबा कर हम इस ट्रे को निकाल सकते हैं। बड़ी सावधानी से हमें निकालना है, इस मैकेनिज्म को डैमेज नहीं करना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम इन चीजों से कई सारी चीजें बना सकते हैं। तो इस लॉक को यहाँ से दबा के मैं इस ट्रे को बाहर निकालूंगा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से फिर अपने आप ही निकल आएगा। तो अब जरा अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें कई सारे गियर लगते हैं जो मोटर से लगे हुए हैं, और इस मोटर के ऑपरेट होने पर सारे ये गियर मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक आर्म जो है मोटर के घूमने पर, ये जो आर्म है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करता है। तो हम लीनियर मोशन के लिए भी इस मोटर का यूज कर सकते हैं। इस मोटर के थ्रू अगर हमें लीनियर मोशन करना है तो ये वाला जो आर्म लगा हुआ है उसका यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि अगर ये जो ऊपर आर्म है इसको ये स्लाइड होता है, तो पीछे एक ब्लैक कलर का जो झूला है वो भी आगे और पीछे होता है, मतलब एक तरह से 4-डायमेंशनल मोशन हो रहा है। हम ये एक्स वाई में अगर हम इस व्हाइट वाले को देखते हैं, व्हाइट वाले स्लाइडर को, तो ब्लैक वाला जो है वो जेड में मोशन कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो असेंबली है गियर की, इस असेंबली का यूज करके हम गियर मोटर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गियर मोटर जो कि रोबोटिक्स में यूज होती है, अगर हम आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग करके कोई रोबोट बना रहे हैं तो इस गियर मोटर का यूज करके हम उसके व्हील्स बना सकते हैं। और अगर हम आर्डुइनो या रोबोटिक्स में नहीं भी यूज कर रहे हैं तो दोस्तों सिंपली अगर हमें कोई टॉय बनाना है कार वाला या किसी भी व्हीकल वाला, तो अगर हम उसमें गियर मोटर लगाते हैं तो वो ज्यादा लोड ले सकती है, मतलब कोई भारी टॉय भी होगा तो ये गियर मोटर जो है आसानी से उसको ड्राइव कर पाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने लगभग सभी कंपोनेंट्स कवर किए हैं और हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको कई सारे आइडियाज दिए हैं।
हर चीज हमने अच्छी तरह से डिस्कस की है। ये देखिए ट्रॉली, और यहाँ पर ये बेस बन सकता है, और हर चीज का मैंने यूज बताया, यूजलेस से यूजलेस चीज को मैंने यूज करना दिखाया है। तो अगर इतना वीडियो देख लिया है तो लाइक तो बनता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो बाकी बचा हुआ मैकेनिज्म जो है इसको किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसे खोलना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हाइट वाली स्लाइड है दोस्तों, ये व्हाइट वाली स्लाइड आगे और पीछे एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करती है, और पीछे जो ब्लैक कलर का झूला है ये वाई और जेड डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक तरह से ये 3D मोशन दिया जाता है। तो अगर हमें रोबोटिक आर्म में अगर इस तरह का मोशन का जरूरत रहे तो हम इसे यूज कर सकते हैं मैकेनिज्म को वहां पर भी। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और हमने जो ये पूरा का पूरा झूला ब्लैक कलर का निकाल लिया है, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट निकालना बड़ा ही आसान है। इसको यहाँ हल्के से पकड़ेंगे और ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह से हाथ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा टीथ भी लगे हुए, और नीचे दिया गया एक हाफ गियर, उससे यूज़ कर सकते हैं उनको। और यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला झूला है दोस्तों, इसमें जो ये नॉब दिए गए हैं, ये नॉब इन स्लाइड्स के अंदर जाएंगे और इस तरह से इसको मोशन दे सकते हैं। मतलब लीनियर मोशन देने पर अप एंड डाउन मोशन हम क्रिएट कर सकते हैं इस गियर मैकेनिज्म से। चलिए अब अगला कुछ हम देखते हैं किस प्रकार यूज़ करेंगे इसका। हम काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर लेंगे। अब हमने देखा ये मैकेनिज्म, तो यहाँ पर एक मोटर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा हाफ गियर है। इसको हम कहीं भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं उस वाइट वाले आर्म के साथ। तो यहाँ पर जो इतना सा पोर्शन है दोस्तों, अगर हम एक हेक्सा ब्लेड से इसको कट करके निकाल लेते हैं तो हम एक गियर मोटर का असेंबली तैयार कर सकते हैं। हमें इस बड़े वाले गियर पर एक व्हील लगाना होगा, और व्हील जो है आसानी से चल जाएगा मोटर के थ्रू। व्हील तो डायरेक्टली मोटर से भी चल जाएगा, पर गियर असेंबली होने से वो काफ़ी लोड ले लेगा, अगर भारी व्हीकल भी है तो उसको चला लेगा। दोस्तों इससे ज़्यादा मैं इसको डैमेज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको यूज़ करके अच्छे अच्छे सर्किट्स आपको बनाना सिखाऊंगा। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। तो जानना चाहूँगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। Only God can judge.